नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपने ओप्पो के रेनो के बारे में काफ़ी सारे जो लीक्स, रिमर्स और इसकी जो अनफर्म स्पेसिफिकेशन थे उनके बारे में सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले इसी के बारे में कि क्या मिलता है दोस्तों ओप्पो के रेनो के बारे में, क्या क्या लेके आएगा दोस्तों ये ओप्पो का रेनो। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे इसी के बारे में कि ओप्पो का रेनो क्या क्या लेके आता है अपने साथ, क्या हार्डवेयर, क्या स्पेसिफिकेशन दिए जाएंगे। तो आप देखते रहे क्रेन साइटेक चैनल, मैं हूं आपका दोस्त प्रफुल। तो आज के हमारे इस नए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ओप्पो रिनो जो है वो चाइना के अंदर लॉन्च हो जाएगा 10 अप्रैल को। ये कंफर्म डेट है ओप्पो की तरफ से और यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि इस फ़ोन के अंदर हार्डवेयर क्या यूज़ किया गया है, कैसा इसका डिज़ाइन बनाया गया है, सॉफ्टवेयर में हमको क्या क्या मिलता है और साथ ही में इसकी प्राइसिंग क्या रखता है ओप्पो चाइना के अंदर, वो भी हमको पता चल जाएगा और शायद से पता चल जाए कि हमको ये इंडिया में भी कब मिलेगा। तो ये सब बातें हमको 10 अप्रैल को मिल जाएगी जानने को। तो अब बात करते हैं इस फ़ोन के जो लीक्स रिमर्स निकल के आते हैं उसी के बारे में। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन जो है वो 3 वेरियंट के अंदर आ सकता है। पहला दोस्तों स्मार्टफोन जो होगा वो होगा स्नैपड्रैगन 710 के साथ, जो कि एक लोअर एंड डिवाइस होगा दोस्तों, यानी कि मिड रेंज डिवाइस। और दूसरा हो सकता है दोस्तों क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 855 के ऊपर चलने वाला, जो कि फ्लैगशिप डिवाइस होगा। और उसके बाद दोस्तों एक डिवाइस हो सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस उसके अंदर होगा दोस्तों 5G का सपोर्ट। तो यानी कि 3 वेरियंट में दोस्तों आएगा। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो रैम मॉडल्स निकल के आते हैं जो कि कंफर्म है वो है 8GB और 256GB वाले। इसके बाद कौन से होंगे दोस्तों जानेंगे हम 10 तारीख के अप्रैल के इवेंट में, लेकिन 8GB और 256GB का मॉडल दोस्तों ज़रूर आएगा इसके अंदर। और यहाँ पर आपको मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफ़ी थोड़ा सा वाइड होगा दोस्तों स्क्रीन के अंदर। और यहाँ पर आपको ड्यूअल थंब का सपोर्ट मिल सकता है, यानी कि ड्यूअल स्कैनिंग का सपोर्ट मिल सकता है दोस्तों, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और साथ ही में अगर बात करें इसके स्क्रीन की, तो यहाँ पर दोस्तों मिल सकता है 6.65 इंचेस का एक नॉचलेस डिस्प्ले, जहाँ पर फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन होंगे। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों इसका, क्योंकि यहाँ पर यूज़ कर सकता है शायद ओप्पो एमोलेड या ओलेड स्क्रीन को, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। शायद तीनों ही फ़ोन्स में आपको एक ही स्क्रीन मिलेगी दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर बात करें यहाँ पर कैमरास की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको नॉच कोई भी नहीं मिलती है स्क्रीन के अंदर, लेकिन फ्रंट कैमरा जो दिया गया है वो ट्रायंगुलर शेप के एक पॉपअप सेल्फी कैमरा के अंदर दी जाएगी दोस्तों। पॉपअप ट्रायंगुलर शेप दिया गया है दोस्तों सेल्फी कैमरा के लिए, जहाँ पर हो सकती है 16 मेगापिक्सल की एक सेल्फी, यानी कि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हो सकता है। लेकिन क्या होगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसके अंदर, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कितने मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रख सकता है ओप्पो अपने इस फ़ोन के अंदर, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पर अभी बात करें इसके जो बैक कैमराज है, तो यहाँ पर जो लोअर एंड का डिवाइस है जहाँ पर हो सकता है स्नैपड्रैगन 710, तो वहाँ पर ड्यूअल कैमराज मिल जाएंगे आपको, जहाँ पर होगा सोनी का IMX4 48 मेगापिक्सल का सेंसर और साथ ही में आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिल सकता है। वहाँ पर आपको कोई भी हाइब्रिड ऑप्टिकल जूम नहीं मिलती है, जो कि 10x वाली है, जहाँ पर ये पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी MWC 2019 में। और अगर बात करें क्वालकॉम की तरफ से आने वाले 855 के जो मॉडल है उसके अंदर, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रिपल रेयर कैमरास, जो कि हो सकते हैं सोनी की तरफ से आने वाला IMX586, जो कि 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो कि एक नॉर्मल सेंसर होगा इसके लिए। दूसरा सेंसर हो सकता है यहाँ पर वाइड एंगल वाला 8 मेगापिक्सल के साथ, और तीसरा सेंसर होगा दोस्तों इसके अंदर 13 मेगापिक्सल के साथ 10x ऑप्टिकल जूम के साथ, जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी MWC 2019 में। तो यहाँ पर 3 कैमरे देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर 4065 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, जो कि VOOC 3.0 को सपोर्ट करेगी फ्लैश चार्ज के द्वारा। तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर 4 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, पहला है मिडनाइट ब्लैक, सी ग्रीन, नेबुला पर्पल और पिंक। 4 कलर ऑप्शन में शायद ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा और बाद में ऐड भी हो सकते हैं इसके कलर, या तो नेम चेंज हो जाएगा इन कलर्स के, जो कि ग्रेडिएंट फिनिश में आपको मिल जाएगा।
और यहाँ पर आपको कलर OS 6 मिल जाता है जो कि काम करता है एंड्रॉयड 9 पाई के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कलर OS 6 जो है काफ़ी अच्छा हो सकता है इस फ़ोन के लिए, तो अगर आपको पसंद आता है तो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही था, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और क्या ख्याल है आपका ओप्पो के रेनो के बारे में, और क्या चाहते हैं आप लोग कि ओप्पो का रेनो जो है इंडिया में जल्दी से जल्दी लॉन्च हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और क्या सवाल या सुझाव हो तो वो भी कमेंट्स में लिख देना। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आपके आसपास के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बाजू के घंटे आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।